अभी आपको अहम खबर देंगे। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस का इमाम बारगाहों के गिर्दो नवाह में सर्च ऑपरेशन किया गया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मुहर्रम उल हराम में किसी भी अफसोसनाक वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जानिब से यह हिकमत अमली इख्तियार की गई है और गिर्दो नवाह के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इमाम बारगाहों के अतराफ में लोगों की चेकिंग की गई, शनाख्ती ख्वाहिश भी चेक किए गए, जबकि बायोमेट्रिक के जरिए उनकी तस्दीक भी की गई है। इससे पहले भी मुतअद्दिद ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन आज 8 मुहर्रम के बाद 9 मुहर्रम की मुनासबत से शहर में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त करने के हवाले से पुलिस ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो इमाम बारगाहों के अतराफ और अजादारों की जहां पे जो सरगर्मियां हैं वहां इलाकों में की जा रही हैं। मजीद बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज बताइएगा, सर्च ऑपरेशन जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए यकीनी तौर पर किया जा रहा है? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रम के हवाले से जिन इलाकों में से मरकजी जुलूस निकलने हैं वहाँ पर मौजूद इमाम बार गाहों और मजालिस गाहों के इर्द गिर्द किए जा रहे हैं। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस के साथ साथ डोल्फन, पीरू, इन्वेस्टिगेशन, CIA और दीगर फोर्सेज भी मौजूद हैं। बिलखसूस CTD की खसूसी टीमें जो है वो लाहौर पुलिस के साथ है। इस सर्च ऑपरेशन में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए मशकूक अफराद के कवायद की तस्दीक की जा रही है और जिन अफराद के कवायद की तस्दीक ना हो रही है उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है। सिटी डिवीजन के इलाका बिलखसूस अंदरून मोची गेट, इस्लामपुरा और दीगर इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से SP सिटी SM सैफुल्लाह का कहना है कि ये सर्च ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं और इसमें किसी किस्म की गफलत और लापरवाही को कतई तौर पर शहर में सिक्योरिटी के पेश नजर जो है वो इमाम बारगाहों के अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। शुक्रिया फयाज मलिक।